लेंगे, अपना हक लड़ कर लेंगे, अपना हक लड़ कर लेंगे, अपना हक। मोदी तेरे दौर में बच्चे भूखे मरते हैं, मोदी तेरे दौर में बच्चे भूखे कर लेंगे, अपना हक मर कर लेंगे, अपना हक। आवाज दो, अनेक आवाज दो, अनेक लड़ कर लेंगे, अपना हक छीन कर लेंगे, अपना हक लड़ कर लेंगे, अपना हक। गवर्नर साहब सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, गवर्नर साहब सामने आओ, मोदी सामने आओ, सामने आके बात करो, आवाज दो, अनेक है, आवाज दो, अनेक है। हेल्पर्स सुपरवाइजर एसोसिएशन वापस लो, वापस लो, वापस लो, हेल्पर्स सुपरवाइजर प्लीज कम आउट। जी जी, हम हेल्पर टू सुपरवाइजर्स हैं, ICDS डिपार्टमेंट से हैं। हमारा मसला ये है कि 3 साल से हमारी पे नहीं निकलती थी, तो अब तो वो तो ठीक ही ठीक है। खासकर हम मुख्तसर इसलिए आ जाए हैं कि हम कल फारूक खान साहब एडवाइज़र जो हैं, उन्होंने हमारे बारे में ये बोला कि इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है, जबकि हमारे पास प्रोग्राम ऑफिसर्स के ऑर्डर्स हैं, और जो लड़की इसमें काम कर रही है हर एक लड़की के पास अपना अपना ऑर्डर मौजूद है, और खास डायरेक्टर साहिबान ने भी उनको ऑर्डर्स निकाले हैं, वो ऑर्डर्स भी हमारे पास हैं, हमने वो कोर्ट में भी भरे हैं। और खासकर ये बात उन्होंने ये भी बोला है कि हम भीख मांग रहे थे, अदर डिपार्टमेंटों से इनको सैलरी देते थे, लेकिन 2017 में हमारी बाजाबता बजट निकली है, वो कहाँ से आई है तो पता नहीं है। अब इनको जोर व जुल्म तो करना है, अब ये तो बीजेपी का हुकूमत है, इनको जोर व जुल्म करना है। और खासकर हमें मोदी साहब के पास भी ये अपील पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ वो बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, हमें कौन बचाएगा, जब वो अभी वो लड़कियां जो पैदा नहीं हुई है उनके लिए वो 14-14 लाख जमा कर रहे हैं बैंक में, और हमारी मामूली उजरत वो हमें नहीं दे पा रहे हैं। बस यही कि हमारा डिसएंगेज ऑर्डर वापस लो, हमें कंटिन्यू करो, और हमें 3 साल की जो वेजेस है वो क्लियर करो। तब तक हमारा ये धरना कायम रहेगा, इससे बदतर हालात हो जाएगी, हम रोड ब्लॉक करेंगे।